देखोगे, ऊपर जाके देखोगे और अच्छा दिखेगा। सब सुन, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। बिना पानी के कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा, सिमट सिमट जल भरे तलाबा, जिम सदगुरु सज्जन पही आवा। तो जल का महत्व हमेशा से रहा है,
और तालाब बनाने की परंपरा कोई आज की नहीं है हमारी। नए तालाब पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, कुआ बावड़ी जैक डैम स्टॉप डैम, एक नहीं अनेकों जल संरचना है, नदी के पुनर्जीवन का काम हाथ में, उसके लिए जल संरचना पर अटल। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इन जल संरचनाओं के कारण मध्य प्रदेश में जो आज ही हमने लोकार्पण किया है, श्रीधर राजनाथ जी के हाथों 57,653 जल संरचना जो कोरोना काल में बनी, इनमें से 53,517 मनरेगा में बनी और 4,136 बॉर्डर सेट के क्षेत्रों में बनी, 17,604 व्यक्तिगत तालाब बने, 2,365 सामुदायिक खेत तालाब बने, 5,119 तालाब है, 1,972 परकुलेशन टैंक है, 5,773 स्टॉप डैम या चेक डैम है, 19,008 कपिलधारा कुएं, 2,558 सामुदायिक कूप, 864 बावड़ियों का उद्धार किया गया, 95,462 हेक्टर जमीन सिंचित होगी बिना 1 इंच जमीन अतिरिक्त डुबाए। ये लगभग 1,00,000 हेक्टर जमीन, मतलब लगभग 2,50,000 एकड़ जमीन में इन जल संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था का चमत्कार अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, किसानों की जमीन गिरवी रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों देश की संसद में साफ साफ कहा है, हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भी कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी और नए कृषि कानूनों के तहत सौदा किसान की उपज का होगा, उसकी जमीन का नहीं। इसके बावजूद किसानों के एक समूह को गुमराह किया गया है, जबकि सरकार इन कृषि कानूनों पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार के निर्णयों के चलते आम किसान में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और कोरोना के संकट के दौरान इस आत्मविश्वास के चलते ही कोरोना काल के बावजूद देश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। साथियों, हमारी सरकार ये अच्छी तरह समझती है ग्रामीण इलाके देश की प्रगति का आधार है, हमारे देश की अधिकांश जनता ग्रामीण इलाकों में ही रहती है और अलग अलग प्रकार के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देती है। महात्मा गांधी गांवों को भारत की आत्मा मानते थे, इसलिए हमारी ग्रामीण जनता का समग्र विकास ये हमारी प्राथमिकता में रहा है। मनरेगा की चर्चा नरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, युवराज सिंह जी ने भी इसकी चर्चा, मनरेगा हो या दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, प्रधानमंत्री कल ग्रामीण आवास योजना या फिर ग्रामीण कौशल विकास योजना हो, हर प्रकार से सरकार ने कोविड काल में भी जनता के कल्याण के हर संभव प्रयास किए। सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और जैसा शिवराज सिंह जी ने भी कहा है, आपके मुख्यमंत्री जी ने, कि सचमुच आज इस प्रकार से जिलाभिषेकम का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसको पूर्णता देने में इस मनरेगा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मनरेगा ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है और यह योजना रोजगार ही नहीं बल्कि द्वार पर रोजगार की गारंटी देती है। हमारे मेहनत कर भाई बहनों को काम की तलाश में कहीं दूर न जाना पड़े, ये मनरेगा योजना उन्हें आसपास के इलाकों में रोजगार देना यह सुनिश्चित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, कोविड काल में इस योजना का महत्व और भी बढ़ा, सरकार ने भी योजना पर विशेष बल दिया और मुझे बताया गया है कि सामान्य दिनों में मनरेगा में जो बजट अलॉटमेंट होते थे, नरेंद्र सिंह जी को ज्यादा मालूम होगा, 2020-21 में उसमें लगभग 1.25 गुना बजट बढ़ा दिया गया और मनरेगा के ही तहत पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां 265 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ था, वहीं इस वर्ष
फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष पूरा होने के पहले तक ही यह संख्या 327 करोड़ से भी अधिक पहुंच चुकी है। 2013-14 तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहां लगभग 22,000 करोड़ दिए जाते थे, वही अब उसे 5.5 गुना बढ़ाकर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी सरकार ने लागत के 1.5 गुना तक फिक्स कर दिया। यह कोई छोटे मोटे कदम नहीं है, हमारे किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राहत है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में सब में पानी का क्या उपयोग करते हैं? खेती में पानी देते हैं, फिर एक फसल ले रही है, दो फसल ले रही है, क्यों ये कर रही है, चना कर रही है, सरसों कर रही है, हमारे कुल में बाढ़ लेवर बढ़ गई, पहले बोल में पानी बढ़ गए। अच्छा, ये अब सिंचाई के लिए लाभ ले पा रहे हैं, मतलब आप सिंचाई ले रहे हैं सर, अभिनंदन कीजिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश का गर्व और गौरव बढ़ाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र यादव जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, मेरे मंत्री साथीगण मनोज जी और सत्यावन जी, कोई डेथ भी नहीं है और जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं वो भी बिलो 50 आ गए हैं, 43 हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ग्वालियर के सभी निवासियों को बधाई। फिर भी हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लोग जैसे जैसे वैक्सीनेशन की पात्रता में आ रहे हैं वो लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हम सभी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है।